देखिए, खबर और कहानी में सबसे बड़ा अंतर ये है कि खबर वही होती है जो घटना को हम एज इट इज़ बता देते हैं, और कहानी वो होती है जब हम उसको इंटरप्रेट करके बताते हैं। सो वो इंटरप्रिटेशन हमेशा स्टोरी टेलर का अपना होता है, इसलिए वो कहानी कह भी रहा है। और हर कहानीकार का, हर डायरेक्टर का अपना एक मंशा अपनी होती है कि मैं इस कहानी को इंटरटेन करके सुनाऊं। कभी भी किसी भी कहानीकार या किसी भी डायरेक्टर की मंशा नहीं होगी कि मैं किसी का दिल दुखाने के लिए कहानी लेके आ रहा हूँ बाजार में, ये हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि फिल्म जहाँ पे इतनी, मतलब इतने पैसे एट स्टेक होते हैं, मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी फिल्म कोई ना देखे, मेरी फिल्म का मतलब बहिष्कार हो, मैं कभी नहीं चाहूँगा। सो ये हम सबको एक चीज़ समझनी है कि हर डायरेक्टर, हर कहानीकार चाहता है कि मैक्सिमम लोग इस फिल्म को देख सकें, ताकि मैक्सिमम, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक फिल्म पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बिके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। ये बड़ा कमर्शियल एंगल है। सो किसी संजय लीला भंसाली हो चाहे कोई भी हो, वो नहीं। दूसरी बात एक चीज़ है कि अभी जो ऑफलेट हो रहा है, हम सरकार चुन रहे हैं ताकि वो हमारी देखभाल करें, हमारे, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दें, हमें, हम हर चीज़ की हमारी वो जिम्मेदारी लें। ये मोहल्ले मोहल्ले के जो सरकार बनते जा रहे हैं, वहाँ पे एक अनार्की की तरफ हम जा रहे हैं। दिस शुड नॉट बी डन। यहाँ पे सिर्फ मेरी या इनकी या उनकी कोई राय नहीं है, यहाँ पे आप सबको भी, प्लीज़ एज जर्नलिस्ट, आप सबको भी हमारे साथ आना होगा और उनको बताना होगा कि भाई ये जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की है, गवर्नमेंट की है। सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कंप्लेन करना। कंप्लेन करने के 10 तरीके आपको बताए गए, हमें भी बताए गए। मैं 50 फिल्में पसंद नहीं करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ देखने के लिए। मुझे कई डायरेक्टर पसंद नहीं है, मैं उनकी फिल्में नहीं देखता हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं उनको मना, घर जाके उनके दरवाजे पर खड़ा नहीं हो जाता हूँ कि तू कल से फिल्म। सो ये प्लीज़ हमें समझना होगा कि, और दूसरी बात ये कि एक 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 शख्स का आप बॉडी ऑफ वर्क देखिए, जिस आदमी ने पिछले 20 साल में, 25 साल में इतना कुछ किया हुआ है, हम ऐसे ही, मतलब मैं तो जानता तक नहीं हूँ, मैं मिला तक नहीं हूँ। सुधीर जी से मैं बहुत कम ही मिला हूँ, लेकिन उनका बॉडी ऑफ वर्क देख के मैं खुद अपने आप में उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। इसमें वो डिमांड नहीं करते हैं हमसे, वो कमांड करते हैं रिस्पेक्ट। और ऐसे शख्स को कोई आदमी हाथ से मारे, कोई बदतमीजी करे, इस छिछोरेपन पे हम आ गए, इस तरह की सोसाइटी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या है? सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि जो सरकार का काम है सरकार को करने दें, जो हमारा काम है, जो हमारी पब्लिक का काम है, वो पब्लिक उसी लेवल पे करें, एक अच्छी सिविल सोसाइटी की तरह बिहेव करें, ना कि वो मोहल्ले का हम सब ने अपना एक एक मतलब झंडा उठा लिया है, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। तो भाई सरकार हट जाओ भाई, इन्हीं लोगों को चला लेने दो, हर मोहल्ले मोहल्ले में जो जीतेगा अपने अपने मोहल्ले में कर लेगा। हम कबीले वाली जिंदगी जी लेते हैं, पुराने जमाने में जंगलों में जैसे जिया जाता था। सो प्लीज़ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले फिल्म देखो, समझो, और वो सामने वाला आपको बार बार कह रहा है कि मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ जिस पे आपको शिकायत है, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? आप देखिए तो सही। प्लीज़, थैंक यू।